हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुप्रिया और आपका स्वागत है आज मेरे किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं डोसे और इडली का बैटर, कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमें किस चीज़ किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे चावल, मेरे पास रेगुलर चावल है जो आप डेली यूज़ के लिए बनाते हैं वही चावल है। 3 कप चावल है मेरे पास। 1 कप बिना छिलके वाली उड़द दाल है धुली हुई, 1 कप, और 1 टीस्पून मेथी दाना है। तो हम सबसे पहले चावल को अलग से धो के रख लेंगे और दाल को और मेथी के दाने को इसको अलग से धो के, चलिए हम सबसे पहले इसको 2-3 बार पानी से धो के रख लेते हैं। ये देखिए, मैंने चावल को और दाल को अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लिया है और डूबते हुए पानी में मैंने इसको भिगो के रख दिया है। और दाल को अलग से, दाल और मेथी दाने को भी धो लिया है 2-3 बार और डूबते हुए पानी में इसको भी मैंने छोड़ दिया है। अब हम इसको ढककर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर सुबह इसका हम बैटर बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे, डोसे का बैटर बनाएंगे। तो चलिए अब सुबह हम इंतज़ार करते हैं सुबह के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमने दाल और चावल को रात भर भिगो के रख लिया है और चावल में से हमने पानी निकाल के रख लिया है, और ये दाल और मेथी दाना है इसको भी हमने पानी से निकाल के रख लिया है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वो होगी बॉयल्ड राइस 1 कप, उबले हुए चावल 1 कप, और चावल और दाल का पेस्ट बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले हम पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी में डालेंगे बॉयल्ड राइस, इसको हम मिक्सी कप में डाल देते हैं और थोड़ा सा चावल डाल देते हैं। थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, पानी ज़्यादा ना डालें। चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे हमारे चावल का पेस्ट तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पिसा है। इसी तरह से हम बाकी के चावल को भी पीस लेंगे। सारे चावल को पीस लेते हैं पहले, उसके बाद हम दाल का पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमने सारे चावल को अच्छी तरह से पीस लिया है, चावल का पेस्ट तैयार है हमारा। इसी तरह से हम दाल का भी पेस्ट बना लेते हैं। चलिए दाल को भी पीस लेते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसका स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, हमने दाल को भी पीस लिया है, इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है। देख सकते हैं आप कितना स्मूथ है। अब इसको हम चावल के मिक्सर में ही मिला देते हैं। इसको हम एक साथ मिला देते हैं। बाकी के दाल को भी हम पीस लेते हैं पहले। देखिए, हमने बाकी के दाल को भी पीस लिया है। अब देख सकते हैं कितना स्मूथ है इसका पेस्ट। इसको भी चलिए मिला देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसको मिलाकर अब हम इसको ढककर 7-8 घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने देते हैं। इसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक हम इडली और डोसा बनाने से पहले डालते हैं। तो चलिए इसको हम अब ढक देते हैं और 7-8 घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने देते हैं। चलिए इसको ढक के फर्मेंट होने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस बैटर को 9 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये फूल के इसका वॉल्यूम डबल हो गया है। देखिए, ये फूल चुका है एकदम से। बैटर अब रेडी हो चुका है डोसा और इडली के लिए। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना थिक है ये। अगर आपको इडली बनाना हो तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ही आप बना सकते हैं। अगर आपको डोसा बनाना है तो इसमें पानी डाल के इसका पतला घोल बना लीजिए। लीजिए, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।